कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भारत में ऐसे लोग हैं कि हजारों लाखों रुपए भागवत में, पांडाल में, साउंड में, टेंट में, दुनिया भर के इन कामों में बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा कुछ और काम कर लिया जाए, स्कूल खुलवा दो। ये भागवत में क्यों पैसा बर्बाद करते हैं लोग? समय भी बर्बाद करते हैं अपना अमूल समय और भागवत में बैठ करके। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके मन में ऐसा विचार आता है कि भागवत में धन का विनियोग करने से धन व्यर्थ खर्च होता है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में भागवत में बैठने से अगर आपकी संतान में, आपके बच्चों में अगर एक भी सद्गुण आ गया, एक भी अच्छाई हो गई आ गई, एक भी बुराई चली गई, तो उस बच्चे का जीवन और उस सुनने वाले श्रोता का जीवन पवित्र हो सकता है। भागवत में धन खर्च करने का व्यर्थ खर्चा नहीं है। भगवान तो ऐसे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। भगवान तो जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, और जो तू करो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। तू मेरे लिए एक रुपया खर्च करेगा तो मैं तेरे लिए, भागवत का यही तो फल है। और महाराज संस्कार जीवन में आ जाए। करोड़ों की संपत्ति होना बड़ी बात नहीं है, धनवान होना बड़ी बात नहीं है, संस्कारवान होना बहुत बड़ी बात है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है। तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लबलीन, पर धन पर मन हरण में वेश्या बड़ी प्रवीण। महाराज दूसरे का धन और दूसरे का मन हरण तो कोई भी कर ले, मगर भागवत में अपने धन को लगाना, भगवान की कथा में अपने धन का सदुपयोग करना, ये बड़ी बात है।